हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, 26,000 किलोमीटर रेलवे बने हैं, 26,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक बने हैं, और एयरपोर्ट्स दुगने हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमें मालूम है उड़ीसा की कालाहांडी की कहानी, हमें मालूम है उड़ीसा के कई जगहों की कहानी जहां दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को और 3,20,000 हमारे उड़ीसा की जनता को, क्षमा करिएगा, 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और क्योंझार में 18,50,000 लोगों को मोदी जी का 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री विकास ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, गरीब अन्न योजना के तहत। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क यह पड़ा कि जब हम 80 करोड़ की जनता को और 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और 18,50,000 क्योंझार की जनता को जब हम ये व्यवस्था पहुंचाते हैं, तो इस व्यवस्था के कारण 25 करोड़ लोग भारत के आज गरीबी के रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है, इस तरीके से काम हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तय किया है कि अब दाल में और तेल में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको दाल और तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने यह भी तय किया है कि मोटा अनाज श्रीअन्न जिसको हम कहते हैं, वो श्रीअन्न हमारे किसानों को मजबूती देगा और दुनिया का हब, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और कोई नहीं होगा, भारत होगा, श्रीअन्न का भारत होगा और भारत में खपत होगी। मित्रों, हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में, आज इनके यहां उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है और उज्ज्वला में लगभग क्योंझार में 35,000 और उड़ीसा में 53,00,000 और देश में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बहनों से तकलीफ पूछिए, 10 साल पहले ये गांव में जंगलों में जाकर वहां से इकट्ठा करती थी लकड़ी, गीली लकड़ियां लाकर जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके धुएं के बीच में घर की रोटी बनाती थी, चाय बनाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी। आज मोदी जी ने इनको उससे मुक्ति दिला दी, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आगे याद रखना बहने, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, अब गैस का सिलेंडर सिलेंडर में नहीं आएगा, आने वाले समय में गैस का सिलेंडर सस्ता गैस पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा, पाइप से आपके घर में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां, यहां बैठे हैं बहुत से लोग, इनको मालूम होगा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2, एक पंचायत में 2। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए, 4 करोड़, एक एक पंचायत में 20-20 40-40 मकान बने हैं एक एक पंचायत में। और अब मोदी जी ने तय किया है, मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, इसलिए अगले 5 साल में
3 करोड़ घर और बनेंगे। और एक बात और आपको बता दूं मैं, और वो आपके ध्यान के लिए, कि अब आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सरकार की तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और उस ऊर्जा से आपको बिजली का घर का खर्च चलेगा, और जो आप बिजली खर्च नहीं कर पाओगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। इस तरीके से आज देश आगे बढ़ेगा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।